हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरके कार लास्ट में एक बार फिर से। तो दोस्तों देखो, ये है मारुति इको। अब इसमें प्रॉब्लम बताऊं क्या आ रही है दोस्तों। देखो आपको इसमें दो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा मैं इसमें वीडियो में, यानी कि ये जो लाइट का भी है और ये भी है। देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये गाड़ी देखो, ये चाबी चालू है ना। अब देखो मैं चाबी घुमाता हूँ, देखो कुछ भी नहीं बोल रहा सेल अप। ये देखो सेलअप कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा। अब इस पोजीशन में दोस्तों दो ऑप्शन होते हैं, दो नहीं तीन होते हैं। एक चीज़ आपको बता दूं, देखो तीन ऑप्शन होते हैं। तो पहला ऑप्शन आपको क्या चेक करना है, अगर आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आया ना कि सेलअप बिल्कुल भी यानी लाइट पर लोड भी नहीं पड़ रहा है। देखो मैं सेलअप घुमा रहा हूँ खूब, ये देखो, और फिर भी देखो लाइटों के ऊपर कोई लोड नहीं पड़ रहा। तो इस पोजीशन में आपको करना क्या है, देखो आपको बिल्कुल क्लियर चीज़ बता रहा हूँ मैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यानी कंडक्टर साइड नीचे जाना है। मैं जाता हूँ, देखो ये आ गया मैं नीचे। अब सबसे पहले क्या देखना है दोस्तों, ये देखो ये जो सेलअप है ना, इस पर देखो छोटी पिन लग रही है, छोटी पिन वो तो नहीं हटी है, यानी वो छोटी पिन है ना, अगर वो हट जाएगी तो सेम वो पोजीशन आएगी। अब फिलहाल तो ये लगी हुई है, हमने चेक देख लिया अच्छे से, और मैं हाथ से चेक कर लेता हूँ एक मिनट। बिल्कुल मजबूत लगी हुई है दोस्तों। तो अब दूसरा ऑप्शन क्या, देखो दोस्तों ताकि आप लोग खुद घर पर कर सके इसलिए बता रहा हूँ मैं। एक मिनट में सीट ऊँची कर लेता हूँ, एक सेकेंड। अब ये कर ली हमने सीट ऊँची, अब आपको दूसरा क्या करना है, फ्यूज़ बॉक्स है ना, इसको ये यहाँ से ये देखो ये है ना, इसको दबाना है इस बटन को, और इसको यूँ ऊपर खींच लेना है बस। ये देखो ये निकल गया, अरे ये निकल गया बाहर, अब ये फ्यूज़ बॉक्स निकल गया। अब आपको मैं बताऊँ, देखो सबसे पहले देखो जो सेलअप का है ना, वो ये 25 नंबर का फ्यूज़ है। दूसरा अगर ये इनमें से एक रिले उठ जाएगी ना तो भी सेम प्रॉब्लम आएगी। तो पहले हम फ्यूज़ देखेंगे, रुको, ये वाला फ्यूज़ है ना, ये वाला है। अरे हाँ दोस्तों, ये फ्यूज ही उड़ा हुआ है इसका, ये फ्यूज उड़ा हुआ है बिल्कुल ईट खा कर। एक मिनट, ये देखिए फ्यूज बिल्कुल उड़ चुका है इसका, गड़ गया यानी गर्म होकर पिघल गया है, कोई ना कोई लोड की वजह। तो रुको मैं पहले फ्यूज ले आता हूँ। अब आपको चेक कैसे करना है दोस्तों, देखो यूँ धूप में देखना है, इसके बीच में सा ना जॉइंट है ना टूटा हुआ दिख जाएगा, तो समझ लो फ्यूज उड़ा हुआ है। अब ये देखिए, एक सेकंड मैं लगा देता हूँ अच्छे से पहले, ये देखिए ये लग गया फ्यूज, ये देखिए लग गया ना। अब इसका सेलअप झकास काम करेगा, देखो अब मैं दिखाता हूँ आपको। तो अब हम आ चुके हैं गाड़ी की स्टेयरिंग पे, ये छोटी सी नॉलेज है लेकिन बतानी जरूरी थी। ये देखो लग गया सेलअप, घुमाते गाड़ी स्टार्ट होगी, देखना अब आप, ये देखिए ये गाड़ी स्टार्ट है ना, ये देखिए इंजन के बाद। अब एक ये छोटा सा इशू था, ये देख लीजिए, ये देखिए सेलअप लगाते ही। अब ये छोटा सा इशू है, छोटी सी चीज़ है। अब इस चीज़ के बारे में, इन चीज़ों के बारे में आपको कोई बताता नहीं है, ताकि वो आप लोगों से मोटा चार्ज कर सके इसलिए। और मैं ये चीज़ें इसीलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी गाड़ी में भी हो, तो आप पहले ये प्रोसेस चेक कर लें, जो छोटा प्रोसेस है, या तो ये फ्यूज या फिर वो रिले में से एक कोई सा भी, यही दोनों के अलावा तीसरा कोई रीज़न होता नहीं है। रख दो सीट को, ढक्कन लगाना एक सेकंड। तो दोस्तों मैंने ये इसलिए बताया था कि आप लोगों के साथ अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो आप खुद अपना सॉल्यूशन कर सकें, या तो वो रिलेन को एक्सचेंज करनी है या फिर वो फ्यूज चेक करना है बस। अगर ये चेक इंजन की लाइट भी अगर जाती है ना चाबी ऑन करने पर, ये इंजन की लाइट, तो भी आपको वही करना है, वही यानी उसके बगल वाला जो लास्ट का फ्यूज है ना वो चेक करना है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो दोस्तों जैसे कि आपको मैंने बताया, ये है ना जो फ्यूज, ये सिंपल सा प्रोसेस है, यानी कोई हार्डवर्क होता नहीं है इन चीज़ों में। देखो जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर आपकी गाड़ी में ये पोजीशन आया ना, अपन चाबी घुमा रहे और सामने बत्तियों पर कोई लोड नहीं पड़ रहा, कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही ना, सेलअप घूम रहा कुछ भी नहीं हो रहा, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पीछे जाना है नीचे की तरफ, सेलअप के ऊपर वो तार लग रहा है ना वो चेक करना है, अगर वो ठीक लग रहा है तो ओके उसे छोड़ दें। फिर उसके बाद में फ्यूज़ को निकाल कर चेक करना है, फ्यूज उड़ तो नहीं रहा या फ्यूज़ पर कोई कार्बन आ जाता है तो भी ये पोजीशन आ जाती है। अब ये छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मैकेनिक क्या करते हैं, आपसे यूँ बोल देते हैं कि भैया सेलअप भी खुल सकता है, भैया और भी कोई बड़ी परेशानी हो सकती, वायरिंग में भी हो सकती, यानी मोटा पैसा बनाने के लिए ये बातें बोल दी जाती है आपको, जबकि होता छोटा सा प्रोसेस है जो मैंने वीडियो में आपको दिखाया है। अगर आपके साथ कभी भी ऐसा कुछ होए तो आप सबसे पहले ये दोनों तीनों चीज़ें चेक कर लें। वो रिले है ना बगल में नीले कलर की, चेक इंजन लाइट की भी और सेलअप की रिले भी उसी जगह पर है, तो रिले को भी आप बदल करके देख लें एक बार, क्या जहाँ तक आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ छोटी छोटी बीमारी के हम बताते नहीं हैं।
इन छोटी बीमारियों से मोटा पैसा लूट लिया जाता है। इसलिए मैं ये चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोग अपने काम को खुद घर पर ही खुद अपने हाथों से कर सकें। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि ऐसी ही छोटी छोटी नॉलेज जो पब्लिक प्रॉफिट की और मैकेनिकल है वो मेरे चैनल पर मैं डालता रहता हूँ, तो पब्लिक का फ़ायदा होता रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। थैंक यू।